एक्सपर्ट जाट एक कवर सॉन्ग है हमारे पास जो प्रोड्यूस किया हमने मुंबई कास्टिंग एजेंसी ने, और ये जो ओरिजिनल सॉन्ग है काफ़ी फेमस सॉन्ग है, तो इसी को लेके हमने कवर सॉन्ग रेडी किया। सर आपका क्या भूमिका है इसके अंदर? क्या जी, एक्चुअली मैं प्रोड्यूसर हूँ इस सॉन्ग का, मेरी कंपनी है मुंबई कास्टिंग एजेंसी, उसी ने प्रोड्यूस किया और जिसका कल हमने शूट कंप्लीट किया, वो आज इसका पोस्टर रिलीज कर रहा है। किस तरह का गाना है उसके बारे में? ये पंजाबी सॉन्ग है, काफ़ी इसके 200 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूअर्स हैं, और इसी की पॉपुलरिटी को देखते हुए तो ये हमने फिल्म इसको गाने को कंप्लीट किया था। कास्ट के बारे में बताएंगे, कास्ट कौन है? जी हाँ, इसमें मेन लीड में विवेक भाई जो हमारे काफ़ी अच्छे मॉडल और एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साथ ही फेमस मॉडल है हमारे पास में मुंबई के एलियाना, जो साथ में बैठी हैं, इनकी इन्होंने मेन लीड में एज एक्ट्रेस सबको किया। मैम क्या कहेंगे बताइए कुछ गाने के बारे में, किस तरह का गाना है? अपने नाम से जो यस हाय माय नेम इज लियाना, और ये सॉन्ग मैंने सुना था, मुझे प्रोड्यूसर जी ने सुनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, क्योंकि मुझे नॉर्मली पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा लगा और उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो सर ने बोला कि हम लोग को एक कवर सॉन्ग करना है, मैंने बोला ओके आई एम रेडी करते, और शूट में भी बहुत मज़ा आया, कंप्लीट किया। अभी बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग उसको जैसे उस वीडियो को लाइक और इतना व्यूज था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा किया है। तो कवर सॉन्ग बनाने में क्या अलग है उस वाले गाने से कुछ उसके? ये ऐसा होता है, कवर सॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसको हम अपने आर्टिस्ट अपनी कास्टिंग के द्वारा पब्लिक को दिखाते हैं कि अगर कवर ओरिजिनल सॉन्ग में ये आर्टिस्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमारे पास में भी ऐसा स्टफ होता है कि हम उस सॉन्ग को अपने तरीके से किए, ये एक पूरी तरीके से लीगल होता है। और इसको ऐसे काफ़ी कवर सॉन्ग बने हैं, मैंने कुछ टाइम पहले एक और देखते देखते भी प्रोड्यूस किया था यही मुंबई में, और सबसे बड़ी खास बात ये सॉन्ग की कि जितने भी मुंबई की टॉप लोकेशन है, जैसे नरीमन पॉइंट हो गया, ताज होटल हो गया, और गेटवे ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह बैन स्टैंड वहाँ पे शूट किया इस सॉन्ग को। मैडम कवर सॉन्ग है, हिट तो होना ही है, तो अभी आपकी क्या फीलिंग है करने के बाद? सर बता रहे हैं तो है थोड़ा सा नर्वस भी है कि अभी जब रिलीज़ होगा उसके बाद व्यूज़ कैसे आएंगे, लोग पसंद करेंगे कि नहीं, कि फर्स्ट को पसंद क्या सेकंड को, पर करना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत तो की है। आपने प्रोडक्शन के साथ काम किया, कितना मज़ा आया उसके? काफ़ी मज़ा आया, सुबह से शाम एकदम मस्ती है, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शूट कर रहे हैं या कुछ भी, एकदम बहुत अच्छे से। गाना आपने देखा है? गाना देखा है मैंने, पे तो एवरी डे वो सॉन्ग सुन रही हूँ और इमेजिन सिर्फ अपने आप को कर रही हूँ कि ये पे मैं करने वाली हूँ तो मेरा कैसे आने वाला है। तो मैं कल शूट के बाद भी घर पे जाके कम से कम मैंने 4 बार वो सॉन्ग सुना, मुझे बहुत पसंद है। ऑडियंस से क्या कहना? ऑडियंस से तो बस यही कहना है कि देखिए, लाइक कीजिए, Yes. और पसंद आए तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब Yes. कीजिए, और ना पसंद आए तो हम क्या कमी है उसको भी आप मेंशन कीजिए। Yes. आपका कोई आगे भी कवर सॉन्ग इसके बाद? अब तो ये आ ही रहा है। यस आगे भी करेंगे, नया होगा या कवर ही होगा? नहीं, एक्चुअली इनके पास में काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम रिवील करेंगे। थैंक यू जी। कैसे गाने से जुड़ेंगे? हाँ जी नमस्कार आप सबको, पहले मैं विवेक चौहान इस गाने में लीड प्ले कर रहा हूँ, जो गाना है हमारे ऊपर ही फिल्म आया गया है, तो हम इस फिल्म को मतलब इस गाने को एक फिल्म के तौर से देख करके काम किया हमने, मेहनत किया और इसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक यूं कहो कि फिल्म आया भाई ने, हमारे डायरेक्टर हैं अश्वनी भाई, तो जिन्होंने जैसे आदेश दिए हमने करते ही। अश्वनी जी आप बताओ, फोटोग्राफी से डायरेक्शन तक सफर और उसके बाद आप इतना अच्छा कवर सॉन्ग, वो भी जेट का, इतना हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है जिस लैंग्वेज में आप जानते नहीं हो उस लैंग्वेज में फिर काम करना तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग नहीं करते, हम बिहार के रहने वाले हैं और पंजाबी सॉन्ग शूट कर रहे हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतना अच्छा सपोर्ट था सबका कि पता ही नहीं चला कि शूट कब खत्म हो गया। हमने बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन पर शूट किए इसको, एंड इससे पहले भी मेरा एक सॉन्ग आया था देखते देखते, वो भी कवर सॉन्ग ही था, काफ़ी लोगों ने लाइक किया उसको, सब्सक्राइब भी किए, बहुत व्यूवर्स भी है उसका अच्छा खासा, एंड अभी दूसरा सॉन्ग अभी मेरा एक्सपर्ट जट करके अभी आ रही है, एंड फिर 26 को भी शूट है, 30 को भी शूट है, लगातार अभी
कर ही रहे हैं कवर सॉन्ग। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वाले गाने को लेके एक्सपर्ट जट जो आपने? एक्सपर्ट जट को लेके तो सबसे पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत था मेरे साथ, और काफ़ी उस गाना को दिन भर सुनना, 3-4 दिन तक लगातार सुनते रहना। फिर कास्ट को लेके बहुत एकदम, लड़का भी पूरा एकदम पंजाबी जट दिखना चाहिए, लड़की भी एकदम पंजाबन दिखनी चाहिए, हाइटेड पर्सनैलिटी। कास्टिंग भी बहुत टफ था, बहुत लड़कियाँ आई, मैसेज ये वो, बहुत सारा बातें हुई। फिर जाके लास्ट में कास्टिंग लॉक किया बहुत कठिनाई से। फिर शूटिंग के टाइम भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते रहा, लेकिन जब फाइनली जब मैंने आज वीडियो देखा ना, तो ऐसा लग रहा कि मेरे शरीर में जितनी थकान थी ना, एक छू मंतर होकर निकल गई। इतना अच्छा फुटेज आया है, इतनी अच्छी है, बहुत खूबसूरत, एकदम दिल को देख के लगेगा हमने कुछ देखा है। आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो कितना डिफरेंट है उस वाले गाने से? ये कवर है तो आपने कितना अलग करके दिखाया या वही उतार दी कॉपी? नो, मैं आपको बताऊं तो जो फर्स्ट सॉन्ग है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जिस टाइप से उन्होंने गाना शूट किया है ना, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब उस गाने को देखोगे ना, तो शायद अगर वो लड़का आपके बगल से भी गुजर जाए, 200 मिलियंस व्यूज़ हैं उसके, मतलब 20 करोड़ पब्लिक ने उसको देखा, उस 20 करोड़ पब्लिक के आजू बाजू से भी गुजर, शायद उसको कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने चेहरा रिवील ही नहीं किया, उन्होंने उनके जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो उन्होंने रिवील नहीं किया। लेकिन हमारा जो गाना है ना, उसमें हमने एक्टर्स को रिवील किया है, आर्टिस्ट को रिवील किया है, तो लगता है हाँ हमने कुछ किया है। आप ये डिफरेंट है हमारे और हमारे सॉन्ग में और उनके सॉन्ग। आप बताइए जी, सेम क्वेश्चन है। देखा जाए तो देखिए, हर कोई का अपना एक मोटिव होता है, हर कोई का बनाने का, हर फिल्म मेकर या हर वीडियो मेकर एक अपनी थिंकिंग के साथ आता है। लेकिन अब ये उनकी सोच थी, उन्होंने अपने तरीके से फिल्माया, ही हमारे भाई साहब ने अपने तरीके से फिल्माया। हम बस इतना करते थे, हम आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है, तो हमने अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है। अब बाकी आप रिजल्ट के तौर पर, आप व्यूअर्स हैं हमारे, ऑडियंस हैं, वो बताएंगे कि उनको गाना कैसा लगा या क्या कमियाँ थी या क्या अच्छाइयाँ थी, वो बाकी आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, दे सकते हैं अपना। अच्छा, गाने से कितनी उम्मीदें हैं और ऑडियंस से क्या चाहते हैं वो बताएं। डेफिनेटली गाने से तो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि गाना बहुत प्यारा है, नो डाउट। और जब इस पर अच्छा से फिल्माया गया है, तो और भी इस चीज़ को, खूबसूरती को 4 चांद लगाया गाने ने, तो बहुत मजा आएगा सबको। हम तो सभी जितने पब्लिक हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आपको, हाँ हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पब्लिक ये सबको हीरो बनाती है, चाहे वो कोई भी हो, हीरो हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एवरीथिंग। जब अगर एक वीडियो हिट होती है ना, उससे बहुत लोगों की कड़ी जुड़ी होती है। तो अगर पब्लिक को वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट उसके लिए भी करें, अगर वीडियो आपको अच्छा ना लगे उसके लिए भी कमेंट करें क्यों आपको अच्छा ना लगा है, आपसे रिक्वेस्ट है। और जहाँ तक मेरी सोच है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो को मैंने जी जान लगा दिया है शूट करने में, बहुत मेहनत की बंदे ने, बहुत मेहनत, थैंक यू। शुभकामनाएं होंगी आपकी, आज आपके फ्रेंड का गाना जो है वो पोस्टर लॉन्च हो चुका है। मेरा बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड है अश्वनी, जिन्होंने ये सॉन्ग डायरेक्ट किया है। इस सॉन्ग में मैंने देखा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कुछ दिन से, और एक एक शॉट, मैं खुद एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे बाई लैंग्वेज मूवीज़ आ चुकी हैं, 2-3 मूवीज़ हैं जो फ्लोर पे हैं, अभी शूट हो रही हैं, तो हम लोग का काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। हमने देखा वो एक एक शॉट पे जो डिटेल से वर्क करता है, बहुत ही अच्छा लगता है देख करके, और इससे पहले वो फोटोग्राफर था और बहुत ही अच्छा काम किया है उसने। तो मेरी विशेष यही है कि सब लोग एक बार ज़रूर देखें सॉन्ग को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सर आप एडिटर किया है आपने, फिलहाल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और काफ़ी चीज़ें डायरेक्शन, हालांकि अश्वनी के साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ कवर सॉन्ग में, और बेहतरीन डायरेक्शन, ऑन द स्पॉट मैं भी गया था शूट पे, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। और हालांकि जब आपकी चीज़ डायरेक्शन आपका अच्छा होता है, फुटेजेस अच्छे आते हैं, तो ऑब्वियस है कि एडिट में भी काफ़ी चीज़ें निखर के आती है, और मुझे पूरा एकदम श्योर शॉट है कि काफ़ी लोग इसे लाइक करने वाले गाने को। और हमारे डायरेक्टर साहब है, सॉरी प्रोड्यूसर साहब, जिन्होंने काफ़ी पहले भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया भी, ऐसा उनका मुंबई कास्टिंग में एजेंसी है, और उनके तो काफ़ी सॉन्ग भी उन्होंने रिलीज़ किया है। ये होप कि 100 मिलियन से एबव भी जाएगा ये सॉन्ग। डायरेक्शन और प्रोड्यूस करना गाने को तो होता है, एडिटिंग का भी एक अहम भूमिका होती है, बहुत अहम भूमिका। एक्चुअली कहा जाता है कि फाइनल जो आपको आउटपुट मिलता है वो टेबल पर ही मिलता है, तो इस आपने अपना गाने का अंजाम दिया है जी। अभी एक्चुअली पोस्ट का काम चल ही रहा है, अभी आई होप कि अच्छा एडिट भी अच्छा ही होगा। आपको पसंद आया? हाँ जी, मुझे डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, चीजें मुझे शॉर्ट से बहुत बेहतरीन शॉर्ट करके गाना पसंद आया है। एडिट करके गाना भी मैंने बताया ना, अभी एडिट पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो एडिट कंप्लीट होने के बाद ही कहा जा सकता है। थैंक यू।
बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं अश्विनी और गोविंद जी के साथ. अश्विनी मेरा बहुत पुराना मित्र है और मेरा छोटा भाई भी है, तो मैं चाहूँगा कि उसका किया हुआ काम सफल हो, ऑडियंस उसको पसंद करे, प्यार दे, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत मेहनत की इस सॉन्ग के लिए, तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड पसंद आए तो कमेंट भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. थैंक यू. सर, क्या कहोगे आज आपके फ्रेंड का गाना का पोस्टर लॉन्च हुआ था? काफ़ी खुशी हो रही है, हमारे फ्रेंड्स लोगों का गाना रिलीज हो रहा है. इसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे गोविंद सोलंकी सर, जिस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, उसके लिए भी काफ़ी काफ़ी शुभकामनाएं. हमारे ऑडियंस, जैसा कि मैंने सुना है लोगों से कि काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा जो चैनल है हमारे गाने को, क्योंकि ऑडियंस से ही हमारा गाना हिट होगा. तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा. और जो इसके प्रोड्यूसर है गोविंद सोलंकी सर, उन्होंने हमें साउथर्न इंडिया में भी कास्ट किया था, तो बहुत अच्छी मुंबई कास्टिंग एजेंसी है जो अच्छे अच्छे एक्टर्स को ला रही है हमारे लाइनअप पे. तो बहुत सारी शुभकामनाएं इस गाने को. थैंक यू.